नमस्कार, मैं अमितेश अग्निहोत्री। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल कबीर न्यूज, और आप हमें फेसबुक पर भी देख सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज है कबीर न्यूज। जरूरी नहीं कि सृजन का दिन ही ऐतिहासिक हो, विनाश के दिन भी ऐतिहासिक होते हैं। अगस्त का महीना ऐसे ऐतिहासिक दिनों से भरा पड़ा है। 6 और 9 अगस्त का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज है, क्योंकि इसी दिन हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम डाला गया। लाखों लोग पलक झपकते ही राख हो गए। 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ और एक नए राष्ट्र का सृजन हुआ। 8 अगस्त का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। वही गांधी जो एक संघी नाथूराम गोडसे की गोली का शिकार बन गए। गांधी के आखिरी शब्द थे, हे राम। गांधी राम भक्त थे। तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। लेकिन गांधी ने राम का साथ मरते दम तक नहीं छोड़ा। राम भारत की आस्था है। हर किसी के अपने अपने राम हैं। तुलसी ने भी लिखा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी ता तैसी। मतलब जिसकी जैसी भावना होती है उसके लिए वैसे ही राम होते हैं, और यह बात अक्षरशः सत्य है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अलग अलग कालखंडों में अलग अलग वर्गों के लिए राम का स्वरूप भी अलग अलग रहा। कबीर के राम अलग हैं, वाल्मीकि के राम और तुलसी के राम में भी अंतर है। राम तिरुवल्लुवर के भी हैं और कंबन के भी। राम के विराट चरित्र ने बौद्ध धर्म को भी आच्छादित किया, लेकिन बौद्धों के लिए राम कोई अवतार या परम ब्रह्म नहीं, बल्कि बोधिसत्व हैं। जैनियों ने राम को अपने त्रिपष्टी ऋषि बलदेव के रूप में स्वीकार किया और राम जैनी बन गए। राम बोधिसत्व बने तो बौद्धों के साथ एशियाई देशों तक पहुंच गए, और राम की कथाएं इन देशों की संस्कृति का हिस्सा बन गई। वाल्मीकि के राम लोकनायक और मातृभूमि को मां के समान प्रेम करने वाले हैं। जब लक्ष्मण सोने की लंका को देखकर मोहित हो जाते हैं तो उनको समझाते हुए राम कहते हैं कि अपि सुवर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मतलब कि लक्ष्मण, यद्यपि यह लंका सोने की बनी है फिर भी इसमें मेरी कोई रुचि नहीं है, क्योंकि जननी यानी माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। कबीर ने एक अलग ही राम की रचना की। उनके राम दशरथ पुत्र और अयोध्या के राजकुमार नहीं है, बल्कि निर्गुण हैं। हालांकि ब्राह्मणवाद ने कबीर के राम को भी अपने अंदर मिला लिया। इतने सारे लोगों के इतने सारे राम होने के बावजूद आम भारतीय जनमानस ने तुलसी के राम को ही स्वीकार किया। तुलसीदास ने बोलचाल की भाषा अवधि का सहारा लेकर जिस राम की रचना की, वह जन जन के राम बन गए। तुलसी के राम केवल दशरथ पुत्र और अयोध्या के राजकुमार से उठकर भक्त वत्सल भगवान बन गए। उनका चरित्र भक्ति और प्रेम की भावना से सरोबार है। हालांकि इसमें भी कोई संदेह नहीं कि उस समय के निचली जातियों और शूद्रों को लेकर समाज में स्थापित पूर्वाग्रहों की एक झलक भी तुलसीदास के रामचरितमानस में दिखाई पड़ती है, जिसके लिए तुलसीदास की आलोचना भी की जाती है। लेकिन जैसे कि राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि निषाद के प्रसंग में तुलसीदास समकालीन जाति व्यवस्था के उबड़ खाबड़ बीहड़ों में से एक चमकीली पगडंडी की स्थापना का प्रयास करते हैं। भरत अवधि स्नेह ममता की, जदपि राम सीम समता की। इस चौपाई में तुलसीदास राम को समता की सीमा बताते हैं, यानी राम से बढ़कर समता की कोई सीमा नहीं हो सकती। तुलसी के राम समता की सीमा है तो भरत स्नेह की, और दोनों समान भाव से निषाद राज को गले लगाते हैं। शूद्र महिला शबरी को मां मानकर उसके जूठे बेर खाने वाले राम में समाज के सबसे उपेक्षित वर्ग को अपना भगवान नजर आया, तो इसमें कैसा आश्चर्य।
धनुष को धारण करने के बाद भी तुलसी के राम स्वभाव से हिंसक और युद्ध प्रेमी नहीं हैं। वह रावण को युद्ध से पहले और युद्ध के बीच में भी समझाने का भरकस प्रयत्न करते हैं। वह चाहते हैं कि रावण सीता को वापस कर दे और शांति से राज्य करे। युद्ध में रावण की पराजय और उसे मारने के बाद भी राम को उसकी संपत्ति का लालच नहीं। वह आवेश में आकर लंका देश का संहार या लूट नहीं करते, बल्कि विभीषण को राजा बनाकर उस देश को पुनः स्थापित करते हैं। तुलसी के राम को संगठन का महत्व भी मालूम है। रावण से लड़ने के लिए वानर भालुओं की सेना तैयार कर लेना इस बात का उदाहरण है। हालांकि यह भी सच है कि तुलसी की रामायण में द्विज और विप्र को हर मौके पर ऊंचा स्थान दिया गया है, जबकि शूद्र और वनवासी उनसे काफी नीचे रखे गए हैं। राम मनोहर लोहिया इसके लिए तुलसी के समय को दोष देते हैं। हालांकि यह सही नहीं है, क्योंकि लगभग तुलसी के ही कालखंड में कबीर का उदय एक दलित और क्रांतिकारी भक्त कवि के रूप में हुआ। तुलसीदास अपनी तमाम काव्य प्रतिभा के बावजूद अपने वर्ग के चरित्र और वर्ण की सीमा से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाए। फिर भी तुलसी के राम जनमानस के नायकत्व से उठकर भगवान का दर्जा पा सके, तो इसका कारण उनका उदार चरित्र रहा। तुलसी ने शंबूक वध और सीता का त्याग जैसे प्रसंगों को अपनी रामायण में जगह नहीं दी। यही कारण रहा कि तुलसी के राम मर्यादा पुरुषोत्तम और मानवीय गुणों से ओतप्रोत हैं। तुलसी स्वयं अपने वर्गीय चरित्र से ऊपर न उठ सके हों, लेकिन उनके सांवले राम वर्ण और वर्ग की सीमाओं से परे हैं। अमीर हो या गरीब, सवर्ण हो या दलित, राम का नाम सभी के अभिवादन प्रकट करने का माध्यम है। यही राम गांधी के आराध्य बने। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम कह के गांधी ने अल्लाह को भी राम में समाहित कर दिया। गांधी हिंदू जरूर थे, लेकिन उनका धार्मिक होना उनकी धर्म निरपेक्षता में बाधा नहीं बना। अल्लाह और राम को एकाकार कर तुलसी के राम को एक नया आयाम देने वाले गांधी को स्वीकार करने का मतलब उनके राम को भी स्वीकारना था। स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी के साथ चलते हुए राम बोधिसत्व, जैन, त्रिशिष्टि ऋषि और निराकार होने के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष भी हो गए। गांधी ने राम को असहाय और निर्बल भारतीयों का संबल बना दिया। राम की आभा और व्यापकता ऐसी है कि पाकिस्तान बनाने के हिमायती रहे मशहूर शायर अल्लामा इकबाल भी राम के आगे नतमस्तक होकर उन्हें इमामे हिंद का खिताब देने को मजबूर हुए। तो तमिलनाडु के समाज सुधारक ई रामास्वामी पेरियार राम को गालियां देकर स्थापित हो गए। राम से बैर भाव रहा, लेकिन राम निरपेक्ष रहे। लेकिन संघ ने जिस राम को स्थापित करने की कोशिश की, वह राम आम जनमानस के दिलों में बसने वाले राम नहीं है। संघ के हृदय में राम होते तो गांधी के सीने पर गोली न पड़ी होती। आज संघियों के जय श्री राम और आम जनमानस के जय सिया राम, सीता राम और राम राम में अंतर महसूस करने का समय है। जब कट्टरपंथी संघी जय श्री राम का उद्घोष कर रहे होते हैं, तो वो केवल अपनी पाशविकता, क्रूरता और कुंठा को अंदर से निकाल रहे होते हैं। क्या करुणा, कृपा और वात्सल्य के प्रतीक राम कभी हिंसा के प्रतीक बन सकते हैं? लेकिन संघियों को यह राम कभी नहीं सुहाते। क्या राम को किसी मंदिर की जरूरत है? वह तो आम जनमानस के हृदय में बसते हैं। जिन राम के आगे संपूर्ण विश्व नतमस्तक होता हो, उन्हें अपनी महिमा के लिए दंगाइयों, तड़ी पार हो चुके लोगों और गुंडों की जरूरत नहीं है। तलवारें लहराते, आग लगाते, गर्भवती महिलाओं को कत्ल करते, लोगों को जिंदा जलाते और मॉब लिंचिंग करते कट्टरपंथी राम के भक्त नहीं हो सकते, और हैं भी नहीं। यह राम के नहीं बल्कि सत्ता के साधक हैं। राम की ध्वजा के नीचे खड़े होकर यह अपने गद्दारी के इतिहास को छिपाना चाहते हैं। यह देश की गंगा जमुनी तहजीब के प्रतीक राम और उनके साथ ही भारत के संविधान को अपने बनाए मंदिर की नींव में दफन करना चाहते हैं। इन संघियों को राम सीम समता की वाले कृपालु राम से प्रेम होता तो गांधी की हत्या न होती। आज का दिन चिंतन करने का दिन है। टुकड़े टुकड़े कर देश बेचने वाले
महामारी और विनाश जैसी आपदा में अवसर तलाशने वाले और प्रकृति प्रदत्त हर स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश करने वाले लोगों की असलियत पहचानने का दिन है। आज का दिन मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहावत याद करने का दिन है। देश की धर्मनिरपेक्ष और सर्वसमावेशी संस्कृति की आत्मा पर चोट पहुंचाने वालों को पहचानने का दिन है। आज का दिन गांधी की समाधि को याद करने का दिन है, जहां उनके मुंह से निकले आखिरी शब्द लिखे हुए हैं और वो शब्द हैं, हे राम।